बाराबंकी जनपद स्थित रामनगर के ग्राम सेदनपुर सेक्टर में पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, गरीब परिवारों को दो वक्त की रोटी नहीं नसीब है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी की सरकार बनने पर हर गरीब को 5 साल तक मुफ्त भोजन देने की बात कही है। 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दोगुनी मिलेगी, वहीं किसान और बुनकरों को भी मुफ्त बिजली मिलेगी। साथ ही किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद समाजवादी सरकार की ओर से दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें भी खुशी हुई, कितना बड़ा चैलेंज इस बात को स्वीकार। सवेरे 10 बजे चर्चा चला है गाजीपुर से और सवेरे 5 बजे लखनऊ पहुंचा दूसरे दिन। आप सोच सकते हो, रामगोपाल जी थे रथ में, हम सब लोग थे रथ में। लग रहा था देखो बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, एक आंदोलन को रूप यात्रा ले ली। हम लोग 30 साल से सियासत में हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं 30 साल के अंदर ऐसा जोश ऐसा उत्साह हमने अपने जीवन में नहीं देखा जो 17 तारीख अखिलेश यादव साहब दिखा। महिलाएं लड़कियां नौजवान बुजुर्ग सब सड़क पर दौड़ रहे थे। वो दिन लगा कि गरीब किसान नौजवान छात्र व्यापारी सब इस सरकार को तुरंत हटाना चाहता है। हम लोग रात को 4 बजे एक जगह रुके, लोग अखिलेश जी अगर हमारा बस चले तो कल वोट देकर सरकार को हटा दें। तो हमने कहा लोकतंत्र व्यवस्था 5 साल बाद चुनाव की होती है,